हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेडिएशन के बारे में समझेंगे। तो रेडिएशन क्या होता है, तो इसे समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन हमारा एक हीट ट्रांसफर मोड है। जैसे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन भी हमारे हीट ट्रांसफर के मोड होते हैं, तो हीट ट्रांसफर हमारे 3 मोड्स के द्वारा होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है या फिर किसी भी सिस्टम बाउंड्री से जो हमारा हीट का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, विच इज कॉज्ड स्लोली बाय अ टेम्परेचर डिफरेंस। और ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस से ही क्रिएट होता है। जैसे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कंडक्शन में जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है वो थ्रू द सॉलिड सरफेस होता है, और जो हमारा कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन प्लस फ्लूइड मोशन का एक कंबाइंड फिनोमेना होता है। बट दोनों में ही हमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। रेडिएशन में हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म। यहाँ पर सिस्टम बाउंड्री से जब भी हीट का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है, और ये ओनली डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर डिफरेंस पर। वेयर एज द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, रेडिएशन हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। रेडिएशन एक्सचेंज इन फैक्ट अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली इन वैक्यूम। जो हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन होते हैं, ये हमारे मीडियम के प्रेजेंस में ही संभव होते हैं, पॉसिबल होते हैं। बट जो रेडिएशन है, इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेडिएशन में जो हमारा हीट का एक्सचेंज होता है, हीट का या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली वैक्यूम में होता है। यानी वैक्यूम के केस में रेडिएशन हमारा सबसे स्पीडली होता है। फर्दर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वेरीज एज द टेम्परेचर डिफरेंस टू द फर्स्ट पावर, वेयर एज द रेडिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन देयर टेम्परेचर टू द फोर्थ पावर। बोथ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड द क्वालिटी ऑफ रेडिएशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है और जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है, तो हीट का ट्रांसफर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस की फर्स्ट पावर के साथ वेरी करता है। जैसा कि हमें पता है, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्यू इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स, और ये हमारा कंडक्शन के लिए। और अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। तो दोनों ही केस में देखिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी पावर 1 है, यानी कि फर्स्ट पावर है। जबकि रेडिएशन में अगर हम बात करें तो रेडिएशन के टर्म में जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, इट स्टेट दैट द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इमिशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ तो जैसे ही हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू टी की पावर 4। सिग्मा हमारा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4।
तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो फर्स्ट पावर पे होता है, और यानी जो हीट का ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के फर्स्ट पावर के थ्रू होता है, और रेडिएशन में जो टेम्परेचर जो हीट का ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस के फोर पावर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो रेडिएशन में जो हमारा अमाउंट ऑफ रेडिएशन और जो क्वालिटी ऑफ रेडिएशन होती है वो हमारी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मीन जैसा भी आपका टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर आपका हाई है या लो है तो उसी के अकॉर्डिंग रेडिएशन आपका एमिट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी रेडिएशन की क्वालिटी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेवलेंथ वेरी करेगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी वेरी करेगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी रेडिएंट एनर्जी भी वेरी करेगी। आगे देखिए, द डिसिपेशन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब और द हीट लीकेज थ्रू द इवैक्यूएटेड वॉल्स ऑफ अ थर्मस फ्लास्क आर सम फैमिलियर एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है उसके जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं या फिर जो फैमिलियर एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे कौन से हैं, देखिए वैक्यूम ट्यूब में फिलामेंट के द्वारा जो हीट का डेसिपेशन होता है, यानी कि हीट का जो एक फैलाव होता है, तो डेसिपेट होती है आपकी हीट एनर्जी, तो वैक्यूम ट्यूब में फिलामेंट के द्वारा हीट एनर्जी का डेसिपेशन भी आपका एक उदाहरण है रेडिएशन का। या फिर जो आपकी थर्मस फ्लास्क होते हैं जिसमें जो आजकल आपके थर्मस फ्लास्क आ रहे हैं जिसमें अगर आपका कोल्ड वाटर रख दिया जाता है तो वो काफ़ी समय तक कोल्ड रहता है, और अगर वार्म वाटर उसमें फिल किया जाता है तो वो काफ़ी समय तक वार्म रहता है, तो कुछ समय बाद उन फ्लास्क में जो आपका अगर हॉट वाटर है तो वो हॉट वाटर धीरे धीरे बाद में नॉर्मलाइज होने लग जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो इवैक्यूएटेड वॉल्स होती हैं थर्मस फ्लास्क की, उन इवैक्यूएटेड वॉल्स के थ्रू हीट का कुछ लीकेज होने लग जाता है, और ये हीट का लीकेज रेडिएशन के थ्रू होता है। इस वजह से जो हॉट वाटर होता है वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर डाउन करता जाता है। अब हम बात करेंगे जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रेडिएशन के। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, द एनर्जी विच अ रेडिएटिंग सरफेस रिलीज इज नॉट कंटिन्यूस बट इज इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव एंड सेपरेट पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। रेडिएशन सरफेस से जो कंटिन्यूस हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो कंटिन्यूस वे में नहीं रहती है, लेकिन वो हमारे सक्सेसिव और सेपरेट पैकेट्स के फॉर्म में रहती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये हमारे जो अभी मैंने आपको बताया सक्सेसिव और सेपरेट पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ये सेपरेट पैकेट्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। तो जो रेडिएशन के थ्रू जो भी हमारी एनर्जी क्रिएट होती है वो किस फॉर्म में होती है, फोटॉन्स की फॉर्म में, यानी कि सन द्वारा जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है अर्थ पे वो हमारी फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, और ये फोटॉन्स हमारे क्या होते हैं, एनर्जी के बंडल होते हैं, पैकेट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है, द फोटॉन्स आर प्रोपगेटेड थ्रू स्पेस एज रे। जो फोटॉन्स होते हैं वो स्पेस में रेस की फॉर्म में आगे बढ़ते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ स्वान ऑफ फोटॉन्स इज डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो हमारे फोटॉन्स जो स्पेस में रेस की फॉर्म में प्रोपोगेट होते रहते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। द फोटॉन्स ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। और ये जो फोटोन हमारे ट्रेवल करते हैं यानी जिस स्पीड से ट्रेवल करते हैं वो स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, और इसी वजह से जिस तरह से हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंजमेंट,
तो उसी तरह से जो फोटॉन्स होते हैं ये भी विदाउट फ्रिक्वेंसी को चेंज किए एक स्ट्रेट पाथ में हाई स्पीड से मूव होते रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन दे अप्रोच द रिसीविंग सरफेस दे आर अकर्स रिकन्वर्जन ऑफ वेव मोशन इनटू थर्मल एनर्जी विच इज पार्टली एब्जॉर्ब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड थ्रू द रिसीविंग सरफेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस दैट रिसीव द थर्मल रेडिएशन। इसके बाद जो फोटॉन्स हमारे कंटिन्यू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में मूव होते रहते हैं, तो ये जब वेव्स रिसीविंग सरफेस पर पहुंचती हैं, रिसीविंग सरफेस आपका कोई भी सरफेस हो जाएगा, जिस सरफेस पे आपको रेडिएटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है या रिसीव करना है, वो हमारा सरफेस क्या कहलाएगा, रिसीविंग सरफेस कहलाएगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी रिसीविंग सरफेस तक पहुंचती है, तो जो वेव का मोशन होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोशन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थर्मल एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कन्वर्ट हो जाती है हमारी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, जिससे क्या होता है, जो हमारी रिसीविंग सरफेस होती है वो उस रेडिएशन एनर्जी को या फिर उस रेडिएशन एनर्जी के कुछ भाग को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ भाग को रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ भाग को ट्रांसमिट कर देती है रिसीविंग सरफेस के द्वारा। अब यहाँ पर जो रेडिएटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, रिफ्लेक्ट करना और ट्रांसमिट करना होता है, ये हमारा टोटली डिपेंड होता है रिसीविंग सरफेस के नेचर पर। यानी कि एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, इन सभी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर, यानी कि सरफेस का कैसा नेचर है उसके ऊपर ये तीनों के मैग्नीट्यूड डिपेंड करेंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी ऐसा सरफेस है जो हाईली पॉलिश्ड है, तो यानी कि वहां पर आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो जैसा अगर आपकी रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो इसी तरह से हमारे जो रिसीविंग सरफेस के नेचर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा जो रेडिएटिंग एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। तो देखिए, जैसे इसमें ये मैंने एक फिगर बनाया है इसमें कि किस तरह से जो हमारी रेडिएशन होता है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और एनर्जी के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी जो आपका रेडिएशन आता है उसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी गामा रेज होती हैं इनकी वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है और इनकी रेंज होती है 0.0001 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर तक। फिर हमारी एक्स रेज आती हैं जिनकी रेंज होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक। फिर हमारी यूवी रेज आती हैं जिसकी रेंज होती है हमारी 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। फिर यहाँ पर जो आपकी रेंज आती है जो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की होती है, ये हमारी क्या होती है, विजिबल रेज। इसके बाद हमारी इंफ्रारेड रेज आती हैं, फिर हमारी रेडियो वेव्स रेज आती हैं। तो जो हमारी गामा वेव्स होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है कैसी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, और जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होगी मीन उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो उतनी ही हाई होगी, और जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही हाई होगी। तो देखिए, जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ इंक्रीज होती जा रही, देखिए यहाँ से यहाँ तक जैसे आप देखेंगे तो आपकी वेवलेंथ क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो इसके जस्ट अपोजिट इंक्रीज होगी। यानी कि जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होती जाएगी, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से हम जो हमारा स्पेक्ट्रम
होता है विजिबल लाइट का, वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की रेंज का होता है। और इसमें हमारे रेनबो कलर्स यानी कि विवग्योर्स कलर यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा रेड है, इसकी जो रेंज होगी वेवलेंथ की वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पर देखिए 700 नैनोमीटर तक की। और जो वॉयलेट है वो हमारा 400 नैनोमीटर तक की रेंज का होता है। तो इस तरह से जो रेडिएशन होता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का, और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का लेवल होता है वो हमारा इस फिगर के द्वारा कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारा रेडिएशन था, यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन थी हमारी रेडिएशन के बारे में कि किस तरह से हमारा रेडिएशन होता है और क्या क्या उसमें मेन पॉइंट्स होते हैं।